इस्लामाबाद आईनी तरमीम मसौदे को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है, जबकि वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान को आज जोहराने पर बुला लिया है। तफसीलात के मुताबिक आईनी तरमीम के मसौदे की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास 11:30 बजे शुरू होगा। इजलास में आईनी तरमीम के मसौदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। मुल्क से भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सफारतकारों को बेदखल करने के बाद कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ बड़ा बयान जारी कर दिया। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक गैर मुल्की मदाखलत से मुतलिक एक समात के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह नजार के कत्ल पर खिताब किया और साथ ही भारतीय हुकूमत के नुमाइंदों की जानिब से कैनेडियन शहरियों को निशाना बनाने पर भी बात की। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में टॉप रैंकिंग से आगाज। वनडे और T20 की टॉप टीम क्रिकेटर्स रैंकिंग में बल्लेबाज और बॉलर्स सरफहरस्त हरबड़ा। ICC अवार्ड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की झोली में। ये माजी करीब के पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन आज सब कह रहे हैं कि देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो। पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ अच्छा जा रहा था और ये सब अच्छा था 2023 के इब्तदाई 6 माह तक। इसके बाद बाजी ऐसी पलटी कि हर कोई एंगेज्ड बंदा रह गया कि ये हुआ क्या है। पाकिस्तान टीम सिर्फ बड़ी टीमों से नहीं। पंजाब मरीम नवाज का कहना था कॉलेज की बच्ची का झूठा वाकया पेश करने वालों को ट्रैक कर लिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ARY न्यूज के मुताबिक वजीर अला पंजाब मरीम नवाज का कहना था लाहौर में कॉलेज की तालबा से ज्यादा का झूठा वाकया पेश करने में मुलविस अफराद को ट्रैक कर लिया गया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, इबरत का निशान बनाऊंगी। मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ऐसा वाकया हुआ। सोशल मीडिया पर इशू बनाकर झूठे इल्जाम आयद किए गए जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाई गई। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि बार बार जलसों और एहतजाज के नाकामी के बाद अब एक घटिया और खतरनाक मनसूबा बनाया गया कि जब SCO हो रही है और सरबराह मुमलकत यहाँ मौजूद हैं।